ब्रह्मचर्य तेज है, ब्रह्मचर्य ऊर्जा है, ब्रह्मचर्य हमारे शरीर की ताकत है, ब्रह्मचर्य एक ऐसी व्यवस्था है जिससे साध करके हम अपनी कुंडलियों को जागृत कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य वीर के दो रास्ते हैं, एक अधोगति एक ऊर्ध्वगति। अधोगति से पतन होता है, जो प्रायः बहुत से युवान चलचित्र देख करके अधोगति की ओर जाते हैं, लेकिन योगी उसी तेज और वीर्य को साधकर ऊर्ध्वगति की ओर ले जाते हैं, जिससे योगी के अंदर आकर्षण, वाणी में तेज, लंबी आयु और परमात्मा के प्रति एकाग्रचता होती है और भगवत प्राप्ति होती है और अनेक शक्ति से संपन्न वह मानव व्यक्ति हो जाता है। तो ब्रह्मचर्य ये है। अब ब्रह्मचर्य कैसे साधें, तो पहले नंबर तो चलचित्र देखना और गंदी बातों के सुनने की आदत, ये दोनों बंद कर दो। तीसरा, ऐसी कोई प्रतिक्रिया व्यवस्था या अवस्था बन रही है तो तुरंत तत्क्षण सन्मुख वाले सामने वाले व्यक्ति के चरणों में देखना प्रारंभ कर दो, आप बच जाओगे। और इसको संभालना 25 वर्ष की अवस्था तक बहुत आवश्यक है। और जिसने 25 वर्ष की अवस्था तक ब्रह्मचर्य साध लिया वो कभी बहक नहीं सकता है, और नहीं साध पाया तो वो जीता तो रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, पर तेजहीन हो जाएगा, चेहरे की कांति चली जाएगी, उसका मन बहुत विचलित रहेगा, क्योंकि खाज और काम ये दोनों जितने करो उतने ही बढ़ते हैं। खाज जितनी खुजाओ उतनी बढ़ती है खुजली, और काम जितना भी भोगो उतनी ही आदत नए नए प्रकार से मस्तिष्क में कल्पनाएं भरती रहती हैं और व्यक्ति गलतियां करता चला जाता है। तो ब्रह्मचर्य से बचने का एक सूत्र में उपाय है चलचित्र का आत्ममंथन, चलचित्र का देखना, दोनों ही बंद करो।